तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं आपका दोस्त मिथिलेश और आपने देखना शुरू कर चुके एमजी व्लॉग्स। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूं पवित्र दीक्षा भूमि पर। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे दीक्षा भूमि दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आने का कारण ये है कि पिछली बार मैंने आपको वीडियोज़ दिखाए थे कि सम्राट अशोक की मूर्ति कर्नाटका से यहाँ पर आई है और उसको यहाँ पर भेंट दी गई थी दीक्षा भूमि पर। अभी एग्जैक्टली उस मूर्ति को कहाँ रखा गया है इस पर वीडियो अभी तक किसी ने बनाया नहीं है और ना ही किसी को पता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि ये मूर्ति कहाँ रखी गई है और किस तरह से आप उस मूर्ति को अभिवादन कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। ये आप देख सकते दोस्तों, दीक्षा भूमि काफ़ी सुंदर लगती है हमेशा 12 ही महीने, पर जब पंचशील के ध्वज यहाँ पे लगते हैं तो वो और ज़्यादा निखर के आती है। ये है हमारी पवित्र दीक्षा भूमि दोस्तों। अभी 14 अक्टूबर के बाद थोड़ा माहौल थोड़ा कम हो गया है, लेकिन लोगों का आना यहाँ पर 12 महीने लगा रहता है। हज़ारों लाखों की संख्या में लोग आते हैं, देख सकते हैं आप। यहाँ पर लोगों का आना अभी भी शुरू है। तो मुझे पता चला है कि सम्राट अशोक की मूर्ति जो है वो स्तूपा के अंदर रखी गई है। तो वो कहाँ है चलो वो दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों अभी हम पवित्र दीक्षा भूमि के अंदर एंट्री करने वाले हैं। आप अगर आओगे यहाँ पे तो 12 महीने ये अंकल यहाँ बैठ रहे थे, काफ़ी अच्छे सुंदर भीम गीत और बुद्ध गीत गाते हैं ये। तो अभी हम चलते हैं दीक्षा भूमि के अंदर दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं हम दीक्षा भूमि के अंदर आ चुके हैं और लोगों का तांता अभी भी आना शुरू है। यहाँ पर मोबाइल निकालने के लिए मना ही कर रहे हैं, लेकिन ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर अशोक सम्राट की मूर्ति रखी है, वहाँ पर भगवान बुद्ध की मूर्ति और बाबा साहब की अस्थियाँ हैं और उसके जस्ट सामने ही सम्राट अशोक की ये मूर्ति रखी है दोस्तों, भव्य। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये मूर्ति कहाँ पर है सम्राट अशोक की। इसको यहाँ पर रखे है, फिर उसको कुछ दिनों बाद अच्छे से उसको फिर से स्थापना करेंगे उसकी स्तूप में कहीं अच्छी जगह देखकर। तो स्पेशली तो यही जगह अच्छी लग रही है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा दृश्य है, भगवान बुद्ध और बाबा साहब की अस्थियों के सामने सम्राट अशोक की मूर्ति। तो आई होप दोस्तों आपने भगवान बुद्ध, बाबा साहब की अस्थियाँ और सम्राट अशोक की जो मूर्ति है इन सब को अभिवादन अच्छे से कर लिया हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।